हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी की डी रॉ सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HAS एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से शुरू किया था, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद हमने इन्वायरमेंट से शुरू किया था। आज आपका इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आप फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको जो करंट अफेयर्स की PDFs हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं और इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक जो GK है उसको भी कवर करवाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो आज हम मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बक की पॉपुलेशन के बारे में। तो रिसेंटली एक सेंसिस कंडक्ट करवाया गया ओडिशा के अंदर और ये देखा गया कि ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 6 सालों के अंदर डबल हो गई है। तो अगर मैं ब्लैक बक के बारे में बात करूं, जो कि एंटीलोप के इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है, तो ज़्यादातर ये आपको ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेगा। बेसिकली सेमी एरिड डेजर्ट्स रीजन के अंदर आपको ये जो ब्लैक बक है वो देखने को मिलेगा। इंडिया और नेपाल के अंदर ये देखने को मिलता है और इंडिया के अंदर भी ये अलग अलग स्टेट्स में आपको मिलेगा, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाला रीजन हो गया। इसके अलावा जो ब्लैक बक है वो कई स्टेट्स का स्टेट एनिमल भी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का। तो अगर मैं ब्लैक बक के बारे में बात करूँ तो चीता के बाद सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर के अंदर ये काउंट होता है। इसके अलावा आपने इसका स्टेटस भी याद रखना है, स्पेशली आपने IUCN स्टेटस को याद रखना है, दैट इज लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के Schedule 1 में आता है और साइट्स की Appendix 3 में आता है। जब मैंने आपको पिछले साल के इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स करवाए थे तो मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि IUCN की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस फ्लोरा या फिर फोना की कितनी स्पीशीज या फिर कितनी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे IUCN अलग अलग कैटेगरीज में डाल देता है। जैसे कि जो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एंटीलोप है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। इन द सेम वे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारे इंडिया का एक्ट है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एनिमल है वो Schedule 1 की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इन द सेम वे साइट्स भी अपने अपेंडिक्स वगैरह निकालती है, तो यहाँ पर भी जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स वगैरह हैं उनको अलग अलग अपेंडिसेस के अंदर डाला जाता है। तो आपने इसका IUCN स्टेटस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ये एक ऐसी मीटिंग है जो कि हर 2 साल बाद कंडक्ट करवाई जाती है और इसके अंदर जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं वो कॉमनवेल्थ के नेशंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉमनवेल्थ के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर वो नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं जो कि पहले ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज या फिर ब्रिटिश एम्पायर की कभी ना कभी वो कॉलोनी रह चुका है, तो कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर वो सारे के सारे नेशंस काउंट होते हैं। तो अभी रिसेंटली जब चोगम मीटिंग हुई थी 2022 की, तो ये रवांडा के अंदर के गाली के अंदर कंडक्ट करवाई गई और यहाँ पे एक चार्टर को पास किया गया। उस चार्टर का नाम है लिविंग लैंड चार्टर। लिविंग लैंड चार्टर का यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि उनका जितना भी लैंड है वो उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे और उस लैंड के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आने वाली नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए प्रिजर्व करके रखेंगे। और यहाँ पे लैंड से रिलेटेड जो भी डिग्रेडेशन वगैरह हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उनको एक तरह से बिल्कुल कम से कम करेंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो लिविंग लैंड चार्टर का आपको मतलब पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मीटिंग के अंदर इसको पास किया गया और ये मीटिंग को कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है बर्ड विलेज, जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनार के अंदर लाई करता है। अब ये जो बर्ड विलेज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और एक तरह से ये उन बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का भी काम करता है। बेसिकली ये जो बर्ड विलेज है ये एक तरह से वेटलैंड भी है, लेकिन ये जो वेटलैंड है वो रामसर साइट की लिस्ट के अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे राजस्थान इस बर्ड विलेज को एक तरह से प्रिपेयर कर रहा है ताकि उसको रामसर की साइट की लिस्ट के अंदर डाला जा सके। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आपको 2 और वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। एक है केलादो घाना
नेशनल पार्क और दूसरा है सांबर सॉल्ट लेक, जो कि आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। रामसर साइट्स के बारे में अगर बात करूं तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1971 के अंदर एक कन्वेंशन साइन हुई थी जो कि रामसर सिटी ईरान के अंदर साइन हुई थी, और यहाँ पे वर्ल्ड के जितनी भी रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड साइट्स हैं, उनको कंजर्व करने की बात करी गई। तो 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, और इस टाइम पे अलग अलग साइट्स को रामसर की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने की बात करी है। हालांकि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो पिछले साल आई थी, और यहाँ पे प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए अलग अलग उन्होंने रूल्स निकाले। जैसे कि इन रूल्स के अंदर बताया गया कि जो प्लास्टिक की थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज करी जाएगी, जैसे कि 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन्स करी जाएगी और उसके बाद 100 माइक्रोन्स करी जाएगी। और उस टाइम पे नोटिफिकेशंस में ये भी बताया था कि 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाएगा। अगर मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करूँ तो ये ऐसी टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो कि सिर्फ एक बार यूज़ करी जाती है और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता। और ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो इसलिए इसको बैन करने की बात करी गई है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गया, ठीक है, शैम्पू की बॉटल्स हो गई, स्ट्रॉज हो गई, ये स्पून्स वगैरह हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर इंक्लूड होती हैं। और यहाँ पे सेंटर ने ये भी बोला है कि जो भी बैन किया है, अगर वो यहाँ पर कोई भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इसको दोबारा से बना रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक अथॉरिटी को रखा गया है। दैट इज़ सेंटर के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि कहीं पे भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नहीं यूज़ किया जा रहा। इसके अलावा स्टेट के अंदर जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो यहाँ पर चेक रखेगा, तो आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है जिसका नाम है REN21 का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी। तो दैट मीन्स 21वीं सेंचुरी के अंदर कैसे जो एनर्जी है वो एक तरह से रीन्यूएबल तरीके से आ रही है, तो उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है। अब ये एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है रीन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। इस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको एक तरह से रैंक किया जाता है कि कौन सी कंट्री ने रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक तरह से इंक्रीज़ किया है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है वो अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दैट मीन्स पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि सोलर एनर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया है। इन्होंने इस ग्लोबल रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि इंडिया ने जो पिछले साल में रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज किया है तो वो कितना इंक्रीज किया है, 15.4 गीगावाट। इसके अलावा सबसे ऊपर जो कंट्री है दैट इज़ चाइना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है। सेकंड नंबर पे है यूएस, तो हमारी जो कंट्री है वो थर्ड नंबर पर आती है जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से जो ट्रांजिशन है या फिर कितनी ऐसी कैपेसिटी को ऐड किया है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई, जैसे कि फोटोवोल्टेइक जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर जो इंडिया है वो सेकेंड रैंक पर आता है। दैट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल से भी यहाँ पे एनर्जी जो है वो मिल रही है, और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जर्मनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमास को फायरिंग पॉलिसी के बारे में। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जो भी थर्मल पावर प्लांट है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा एनर्जी का प्लांट है जिसमें एनर्जी बनाई जा रही है। तो अगर मैं कोल थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है वो कोल को जलाकर बनती है, कोयले को जलाकर बनती है। तो इन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर अगर मैं 5 से 10% ऐसा सोर्स डाल दूँ जो कि बायोमास का सोर्स है, दैट मीन्स बायोमास से एनर्जी मिल रही है, तो अगर मैं इस सोर्स को डाल दूं तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं बायोमास को फायरिंग पॉलिसी। दैट मींस यहां पे बायोमास को भी यूज किया जा रहा है और एक तरह से बायोमास और कोल दोनों को इक्वली यूज किया जा रहा है ताकि यहां पे एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। तो यहां पे जो 2022 का यूनियन बजट था उसमें ये बोला गया था कि हर एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर 5 से 10% बायोमास को फायरिंग पॉलिसी को एक तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर क्योंकि यहां पे बायोमास पैलेट की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी
एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से ये जो बायोमास को फायरिंग पॉलिसी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। अगर मैं बायोमास के बारे में बात करूँ तो ये एक ऐसा सोर्स है जैसे कि जो बचा कुचा जो आपका फूड मटेरियल हो गया, जैसे वुड हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को जब जलाकर एनर्जी बनती है तो उसको हम बायोमास के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको बायोमास को फायरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें पार्शियली हम कोल को यूज़ करते हैं और पार्शियली बायोमास को यूज़ करते हैं, उन दोनों को इकट्ठे जलाया जाता है जिससे कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बनने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे कोल को बैन करने की बात करी गई है और जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उन्होंने ये बोला है कि जनवरी 2023 से यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, दिल्ली के अंदर जो कोल है उसको बैन कर दिया जाएगा। अभी जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो कोल है वो यहाँ पर कम सल्फर वाला कोल को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो इस वजह से ये अलग अलग स्टेप्स को लिया जा रहा है। इसके अलावा इस पॉलिसी से जो भी दिल्ली वाले रीजन के अंदर जो भी पॉल्यूशन है, एक तो वो कम होगी और बहुत ज़्यादा कोल भी बचेगा और इससे जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो कोल बैन हुआ है वो 2023 फर्स्ट जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसके बारे में अभी मई वाले मंथ में बात करी गई थी तो इसीलिए ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो दिबांग वैली के ऊपर बनाया जा रहा है और इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो प्रोटेस्ट्स वगैरह हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है उसकी वजह से जो आसपास की बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो लोअर दिबांग और अपर दिबांग वाला रीजन है उसके बीच में जो दिबांग वैली है यहाँ पर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है जो कि 3000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पानी है उसको यूज़ किया जाएगा और पानी की हाइट को यूज़ किया जाएगा और पानी की हाइट की वजह से टर्बाइन्स घूमेंगी और अल्टीमेटली टर्बाइन्स घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दिबांग रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में। तो सबसे पहली बार जो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ओडिशा के चिलिका लेक के अंदर इस सेंसेस को कंडक्ट करवाया है। इस सेंसेस के अंदर चिलिका लेक के अंदर उसको यहाँ पे फिशिंग कैट्स को काउंट किया गया और उसको भी एक पर्टिकुलर मेथड से ही काउंट किया गया है जिसका नाम है स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रीकैप्चर मेथड। दैट मींस इस मेथड के अंदर जितनी भी कैट्स देखने को मिलेंगी उनको पहले कैप्चर किया जाएगा, उनके ऊपर एक कोई सिंबल लगाया जाएगा और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। अगेन इसी तरीके से इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन के नंबर को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फिशिंग कैट के बारे में बात करूँ तो ये इंडिया के ऑल ओवर दी स्टेट्स अलग अलग रीजन्स में आपको देखने को मिलती है। ये हाउस कैट से ट्वाइस द साइज होती है, मतलब इसका दो गुना ज़्यादा साइज होता है। इसके अलावा ये फिशेज हो गया, क्रस्टेशंस हो गया, इन सबको खाती है और एक बहुत अच्छी स्विमर भी है। अगर मैं बात करूं IUCN स्टेटस के बारे में तो इसका जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। हालांकि इन फिशिंग कैट्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। बीच में इसका जो स्टेटस है इनडेंजर हो गया था, लेकिन यहाँ पे IUCN ने अभी भी इसके स्टेटस को वल्नरेबल ही डाला है। इसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स 2 में लाई करता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ये जो फिशिंग कैट है वो लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपने उन सारे प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास एक 1 किलोमीटर का एरिया बनाना है जो कि इको सेंसिटिव जोन के नाम से कहलाया जाएगा। और ये इको सेंसिटिव जोन जो है वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे उस एरिया के अंदर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर किसी भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना हो। तो पहले ये जो एरिया था वो 10 किलोमीटर तक था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1 किलोमीटर कर दिया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपनी जजमेंट्स दी हैं वो इसलिए दी हैं क्योंकि यहाँ पर किसी ने पिटीशन डाली नीलगिरी फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे इस जजमेंट को सुनाया है कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैं उसके आसपास 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन को बनाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ें कही हैं कि ये बोला है कि किसी भी अगर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास
आसपास। पहले से ही अगर ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है तो उसको ही मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी माइनिंग की एक्टिविटीज़ को नहीं अलाउ किया जाएगा। और हाँ, अगर ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कई जगहों पर इस रूल को डाइल्यूट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस के बारे में। तो रिसेंटली ये जो कांग्रेस है 6 सालों के बाद कंडक्ट हुआ, जो कि यहाँ पे साउथ कोरिया के सियोल वाले रीजन में कंडक्ट करवाया गया। उन्होंने ही इसको होस्ट किया था, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर एक डेक्लेरेशन को साइन किया गया, दैट इज़ अ सियोल डेक्लेरेशन। अब सियोल डेक्लेरेशन ये कहता है कि अगर हमारे वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कहीं पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, चाहे कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम एक ही सोल्यूशन निकालेंगे, दैट इज़ फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पर सियोल डेक्लेरेशन के अंदर अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि हम फॉरेस्ट्स को यूज़ करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। इसके अलावा ये जो डेक्लेरेशन है उसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक तरह से साइन किया है, जो कि इंडिया ने भी इसको साइन किया है, तो आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है 2018 वाली, अभी रिसेंटली इसके अंदर 2022 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले हम 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी में ये बोला गया था कि जितना भी आपका पेट्रोल है या फिर डीजल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेंडिंग करी जाएगी। और किस चीज़ की ब्लेंडिंग करी जाएगी, जैसे पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी, इन द सेम वे यहाँ पे डीजल के अंदर 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करी जाएगी। दैट मीन्स जो भी आप व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो पेट्रोल जहाँ पर भी बन रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से इथेनॉल को भी ऐड किया जाएगा और डीजल के अंदर बायोडीजल को ऐड किया जाएगा। तो इस वजह से जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोल और डीजल की वजह से, वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इथेनॉल और जो बायोडीजल हैं, वो एक तरह से रीन्यूएबल तरीके हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के। तो अभी जो इस पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करी गई है, वो ये करी गई है कि जो हमने 20% ब्लेंडिंग करनी थी पेट्रोल के अंदर, उसका टारगेट पहले 2030 रखा गया था, लेकिन इसको अब चेंज करके 2025 और 26 कर दिया गया है। वो इसीलिए चेंज किया है क्योंकि हमारा ये जो टारगेट है वो बहुत हद तक अचीव हो चुका है, तो इसीलिए अमेंड करके इसकी जो डेट है वो पहले कर दी गई है, 2030 से 25-26 तक कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और भी अमेंडमेंट्स हुई, जैसे कि यहाँ पर एक कमेटी होती है जिसका नाम है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके की जो चेयरमैन होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर, इस कमेटी के अंदर कुछ और मेंबर्स को इंक्लूड करने की भी बात करी गई है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर ये भी अमेंडमेंट करी गई कि आपने अगर बायोफ्यूल्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको, आप परमिशन लेके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने इसके अमेंडमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं COP 15, जो कि UNCCD की है, दैट मीन्स यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो कन्वेंशन है 1994 के अंदर बनी थी, और उस टाइम पे डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी ड्रॉट वगैरह है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, सूखा आ रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, दैट इज़ UNCCD। इसके बाद हम बात करते हैं COP 15 की, जो कि UNCCD की अभी कंडक्ट करवाई गई थी। अगर मैं बात करूँ UNCCD है क्या, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट मीन्स यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, जो एक तरह से ड्रॉट आ जाती है, लैंड डिग्रेडेशन आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इसको UNCCD को बनाया गया। और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है और जितनी भी कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी पार्टीज़ हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाते हैं हर साल। तो अभी रिसेंटली 2022 के अंदर इसकी 15th कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। आपने ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। इस आइवरी कोस्ट के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है अबिजान। तो यहाँ पर इसकी COP 15 को कंडक्ट करवाया गया, और यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर थीम थी, दैट इज लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।